I'm going to. मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे आपका इस इलाके में कोई भी बैंकर नहीं है, यहाँ पे एक एक ही बैंकर है और ये पिछले साल शुरू हुआ था और अभी तक ये इनकम्प्लीट बैंकर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जनाब, मैं गवर्नर साहब को मैं ये अर्ज मैं पेश करता हूँ कि आज तक पिछले साल से एक बैंकर हमें दिया था, वो भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। तो बाकी हम बिल्कुल बॉर्डर के साथ रहने वाले हैं। आज दिन तक हमारे पास कोई सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं आया है इस इलाके में। बताइए कि और बैंकर भी है, मजीद एक ही बैंकर? एक ही बैंकर है, अभी तक कोई दिया भी नहीं है और ये भी पूरी हालत ही है। और ये हमारा जो एरिया है बॉर्डर का है, बंडोई डड़ा मल्ला, तो इसमें बिल्कुल हम LC लाइन के साथ हैं। आज दिन तक हमें कोई और गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई अस्पताल दिया है और ना हमें कोई किसी किस्म की फैसिलिटी दी है। ये जो बैंकर इनकम्प्लीट, कितने सालों से ये बैंकर ऐसे पड़ा हुआ है? एक साल हो गया है, इसको कोई पता ही नहीं है क्या वजह है। तो आप ये क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नर से, डीसी पुंछ से, क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से और डीसी पुंछ से कि ये मेहरबानी करें, हमें अलग अलग एक मकान के लिए एक बैंकर जो हर मकान के लिए है, दूसरी दूर हमें जाने का कोई मौका नहीं मिलता। कल जब हमें हमारे मकान के साथ शैलिंग हुई और गोला हम दौड़ कर हम अंदर भागे, तो मेहरबानी करें हमें अलग अलग हर एक मकान के साथ बैंकर दिया जाए, ये हम अपील करते हैं गवर्नमेंट। और मैं बोल रहा हूँ कोई मकान नहीं, कोई बंकर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जने हमारे गांव में कोई कुछ नहीं, हम बहुत तंग हैं। वो बंकर बनाने वाले जने हैं वही नीचे नीचे बने, सारी बनने में कोई बंकर नहीं आए, नीचे नीचे आए हैं, ऊपर कोई मकान जो बॉर्डर बिजली नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, हम लोग बहुत तंग हैं, बाहर जाने के लिए भी नहीं है। अहमद फजल, यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना बैंकर है, कोई बैंकर नहीं, लोग मजबूर हैं, मकान कच्चे हैं, टीना वाले मकान या कच्चे मकान सारे सेलिंग से टूट गए। वो तो जो छुप जाए, बाल बच्चा हमारा जो है, बिजली भी चाहिए, पानी भी।